वेल, जैसे आप लोग जानते हैं, मैं बहुत सारा काम एज एन एंकर करती थी टीवी पे. मेरे पिताजी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स थे मुंबई में, CCIT 1. आप आयकर भवन में जाके चेक कर सकते हैं. जब वो रिटायर करके पुणे चले गए और मैं यहाँ अकेले वीडियोकॉन के गेस्ट हाउस में रहती थी, उसी टाइम मैंने शॉटगन प्रोडक्शंस की एक मूवी में आइटम नंबर किया था, क्योंकि उनके फैमिली रिलेशंस थे मेरे फादर के साथ उस समय जब मैं वहाँ पर रही. आफ्टर दैट आई थिंक आई हैव नेवर कम बैक टू बीइंग नॉर्मल अगेन. हर रात ऊपर वाले अपार्टमेंट में आके वहाँ पर मेरे साथ अगोड़ विद्या, काला जादू, भूत डालना, ये सब किया जाता था. आई गॉट सो एग्जास्पिरेटेड. मेरी सिस्टर है, NRI है, उसका यहाँ फ्लैट है 401 विंसर टावर, शास्त्री अपार्टमेंट्स, शास्त्री नगर, लोखनवाला, अंधेरी वेस्ट. मैं वहाँ पर शिफ्ट हो गई. वहाँ पर भी मुझे बख्शा नहीं गया. एक अगोड़ी को मेरे ऊपर बैठाया गया, ऊपर वाले अपार्टमेंट में, 7 साल तक टू सिडेट मी, मुझे एक कोमा जैसे सिचुएशन में रखने के लिए कि मैं कभी उठ के देख ना पाऊँ मेरे साथ किया क्या जा रहा है. यू नो, ईयर्स हैव रोल्ड बाय एंड द पीपल हु रियली लव मी आज भी पूछते हैं, कहाँ हो तुम पूजा, क्या कर रहे हो. और इस दौरान ये 7 साल जो बीते, हर दिन मैं सुबह उठ के मीटिंग्स, ऑडिशंस के लिए जाती गई. बॉलीवुड ने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं. मेरे को बॉलीवुड से कोई गिला शिकवा नहीं है. यहाँ पर डायरेक्टर्स ने मुझे मूवीज़ के लिए कन्फर्म किया है, यमुना पगला दीवाना 1, ये वो, बहुत सारी मूवीज़ के मुझे ऑफ़र मिले जिसके लिए मुझे कन्फर्म कर दिया जाता था. जैसे ही मैं घर पहुँचती थी, मेरे फ़ोन के थ्रू, मेरे पीछे बाइकर्स लगा दिए जाते थे, उनके थ्रू पता किया जाता था आज कहाँ कहाँ ये गई है मीटिंग के लिए, किस स्पॉन्सर से मिली, किस बॉलीवुड डायरेक्टर से मिली. यू नो, लाइक लिटरली कीपिंग टैब्स ऑन मी. आई एम टायर्ड ऑफ दिस स्पाइन. और इसी के थ्रू इन दीज पास्ट 15 ईयर्स दीज पीपल हैव प्लंडर्ड मी. आप लोग प्लंडर्ड का मतलब तो समझते ही होंगे, लूटेड मी इन एंटायरिटी. आज मैं ऐसे मुकाम पे खड़ी हूँ जहाँ मेरे पिताजी अब नहीं रहे, ही इज पास्ड अवे ऑन February 11th दिस ईयर. दे हैव लिटरली रॉब्ड एंड लूटेड मी ऑफ एवरीथिंग. रोज मुझे टेररिज किया जाता है, रोज मुझ पे री इन्फोर्स किया जाता है, पूजा यू कैन नेवर बी नंबर 1, तुम हार मान जाओ, तुम टूट जाओ. पर मैं लड़ती गई. 7 साल पहले मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, मैंने टीवी शोज बनाए, वेब सीरीज बनाए. अब मैं एक मूवी बनाने जा रही हूँ अपनी जिंदगी के बारे में, जिसे लेके ये लोग इतने इनसिक्योर हैं. लेट्स बिगिन विद दैट. द नेपोटिज्म, द मी टू कैंपेन स्टार्ट्स हियर. द डे आई डिसाइडेड टू मेक माई मूवी, माई मेमोअर्स इन टू अ मूवी, सबसे पहले एक राइटर राजन अग्रवाल के नाम से मेरे पास आए. उन्होंने मुझे बोला, मैंने रेडी लिखी है, मैंने वांटेड लिखी है, मैं सलमान खान का आदमी हूँ. ही टुक मनी फ्रॉम मी एंड ही वैनिश्ड. उसके बाद नवीन करके एक डायरेक्टर आए जिन्होंने सुपर मॉडल मूवी डायरेक्ट की है. ही टुक मनी फ्रॉम मी एंड एडवांस एंड ही वैनिश्ड. जब इन लोगों को मैंने वापस फ़ोन करने की कोशिश की कि मैंने आपको एडवांस दिया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो मुझे बोलते हैं, वेल, हमारे को सलमान खान के परिवार से कॉल आया है कि आपके लिए हम काम नहीं कर सकते. तो मैंने कहा, ओके, यू डोंट वांट टू डू इट बिकॉज यू अंडर प्रेशर, रिटर्न माय एडवांस. कोई एडवांस रिटर्न नहीं किया. मुझे लिटरली प्लंडर और लूट मचा रखी है मुझ पे इन लोगों ने 15 साल से. अब मैं काउंट करना चाहूँगी सारे स्पॉन्सर्स जो चुराए गए हैं. सबसे पहला ब्रांड एंडोर्समेंट मुझे मिला मेरे फादर के रिटायरमेंट के बाद, ड्यूरियन फर्नीचर. जैसे ही मैंने वो कैंपेन शूट भी नहीं किया है, मुझे कॉल्स आने लगे कि यू नो पूजा, हमारा हिस्सा इसमें क्या है. अब आप बताइए, मैं रोज़ भाग रही हूँ यहाँ वहाँ मीटिंग्स के लिए, ऑडिशंस के लिए. अगर मेरे को एक असाइनमेंट मिला, इफ़ आई हैव अर्नड समथिंग फ्रॉम माई हार्ड वर्क, डू हैव टू शेयर इट. जी, मेरे को कॉल आया था सोनाक्षी के परिवार से, पूनम जी के यहाँ से, कि हमारे घर में फर्नीचर ड्राउन हो गए हैं, आप जिस ब्रांड को इंडोर्स करती हैं, आप वहाँ से हमें फर्नीचर दिलाइए. मैं उस समय 17-18 साल की बच्ची, मुझे अपनी रेम्यूनरेशन के लिए लड़ना नहीं आता, मैं उनसे आपको क्या फर्नीचर लेके दिलाऊंगी. तो जब मैंने कहा कि ओके आई ट्राई, ऐसे करके बोला, तो द नेक्स्ट थिंग यू नो, उस समय सलमान खान एंड ब्रूना अब्दुल्ला एंड ऑल दीज पीपल वर टुगेदर.
टैंजेंट फर्नीचर का बिल्कुल कंपटीशन में हर जगह कैंपेन स्प्लैश किया गया, यह अगर दबाव नहीं है, यह अगर नेपोटिज्म नहीं है, यह अगर दो इन्फ्लुएंशियल बॉलीवुड फैमिलीज मिलकर एक बेबस अकेली लड़की को दबा रहे हैं, नजर नहीं आ रहा आपको? उसके बाद जब भी मैंने सलमान खान के अगेंस्ट रिवोल्ट करने की कोशिश की, जब भी मुझे उनकी कोई हरकत पसंद नहीं आई, अगले दिन सोनाक्षी सिन्हा की फोटो छपवा दी जाती थी, ये बताने के लिए कि दब के जीना सीखो, सोनाक्षी सिन्हा की नौकरानी बन के जीना सीखो। बिग बॉस में मैं बहुत अच्छा कर रही थी, जिस दिन मैं बिग बॉस को एंटर करने जा रही थी उस घर में, मुझे समीर बैनर्जी का फ़ोन आया जो महेश भट्ट के कास्टिंग एजेंट हैं, वो उस समय कास्ट कर रहे थे जिस्म 2 के लिए। उन्होंने बोला आप अभी आ सकते हैं ऑफिस, मैंने कहा अभी तो मैं जा रही हूँ सेट्स पे, करजत पे, तो आई कॉन्ट कम। तो उन्होंने कहा वॉट अ वेस्ट ऑफ अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी। जब बिग बॉस में मेरा नाम हुआ, मुझे फेम मिला, लोगों ने मुझे पसंद किया, मैं एक पॉपुलर कंटेस्टेंट थी, तो मुझे अनसेरेमोनियसली 2 बजे रात को निकाल दिया गया। अभी तक मुझे पता नहीं है मुझे किस फॉर व्हाट रीजन वाज आई इविक्टेड एट 2 o'clock एट नाइट आफ्टर बीइंग ह्यूमिलिएटेड एंड कॉल्ड वायलेंट। जब मैंने वापस लोगों से कुछ जानकारी पाने की कोशिश की, पूछताछ की, सब ने बोला ये शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कराया है। अब आप बताइए क्या ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि यहाँ पर पूजा मिश्रा और सोनाक्षी सिन्हा एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते? क्या सलमान भी इसमें शामिल है, जैसे आपने बताया कि आपने? मुझे लगता है कि जी हाँ, सलमान ने पूरा साथ दिया है सोनाक्षी सिन्हा उसके परिवार का मुझे दबाने में, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। उनके पूरे परिवार ने साथ दिया है शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार का मुझे दबाने में, मुझे सप्रेस करने में, मुझे लूटने में, क्योंकि जो भी पिक्चरें मुझे मिलती थी, यमुना पगला दीवाना 1 में जो मुझे गाना मिला वो महक चहल ने जाके किया, हर रोल जो मुझे मिलता था कोई अच्छी नहीं, वो उनके ग्रुप की हैं, वो उनके ग्रुप की हैं, वो लोग शो साथ करते हैं, वो लोग एक दूसरे के ग्रुप में हैं। यहाँ इंडस्ट्री में क्लैनिश, इट्स वेरी वेरी क्लैनिश, दे डोंट लेट यू इन। मैं किसी का किसी से कोई संबंध नहीं इस्टेब्लिश करना चाह रही, मैं बस बोल रही हूँ उन लोग ने क्लैन बना के मुझे बहुत दबाया, बहुत लूटा। एक मैं अगर स्टाइलिश ड्रेस पहन के निकल रही हूँ, अगले दिन मलाइका अरोरा वही ड्रेस पहन के उनकी फ़ोटो छपवा दी जाती थी। आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने पूरी तरह से मुझे घेर रखा है और मेरी सांसें दबा रहे हैं? मेरे को कॉल आया था अरबाज खान के सेक्रेटरी का दबंग 1 के लिए कि आप आके अरबाज से मिलिए, वो प्रोड्यूसर बन रहे हैं ये वो। तो उस समय मेरे पे, मैं जैसे आपको बता रही हूँ, जैसे ही मैं वीडियो कॉन के गेस्ट हाउस में गई, ऊपर वाले घर में अगोड़ी को बैठा दिया गया, उन्होंने मुझे कंफ्यूज किया, मैंने ऑफर रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा आपके ही घर में इतनी खूबसूरत लड़की है मलाइका, आप उसे बुला लीजिए। उसके बाद तो इन लोगों ने मुझे बिल्कुल घेर के क्या प्लंडर किया है, क्या लूट मचा रखी है। अकेले मैं बॉम्बे में जी नहीं सकती, आई कॉन्ट लिव इन बॉम्बे, आई ओन माई ओन फैमिली अपार्टमेंट यहाँ अंधेरी, मेरे को मेरे घर में नहीं रहने दिया जाता। क्यों भाई, क्या ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा और पूजा मिश्रा कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते? या ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है कि पूजा मिश्रा और सलमान खान और उसका परिवार कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता? और मैंने किसी का बिगाड़ा क्या है? आज अगर ये लोग करोड़ों में पूरी दुनिया घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं मुझे दबा दबा के, क्या इसमें मेरा हाथ नहीं है आपकी सक्सेस में? कितना मेरा काम और मेरी स्टाइल और मेरी आइडियाज चुरा चुरा के आपने वो करोड़ों कमाए हैं? मैं बोलूंगी, मैं अकेली बेशक हूं, आप लोग ने मिलके मुझे दबाया, पर आज मैं तप तप के वो फौलाद बन चुकी हूं कि मैं अकेले लड़ूंगी आप सबसे। उसके बाद लेट्स कम टू द पार्ट वेयर आई वाज सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। जब अगोड़ी मेरे ऊपर वाले घर में रहता था वीडियोकॉन डेज से, तब से ये लोग मुझ पर काला जादू करके, भूत प्रेत भेज के मुझे बेहोश करके या पानी में ड्रग्स मिला के बेहोश करके सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते थे मुझे। ये सब लोग मिले हुए हैं, देखिए इसमें बहुत सारे परिवार मिले हैं, नेमली 4। एक तो है वीडियोकॉन गेस्ट हाउस के ओनर मिस्टर वीएन दूत, जिनको मेरे फादर ने मेरे गार्जियन की ड्यूटी दी, उनके गेस्ट हाउस में मुझे रुकवा के वो अपनी ड्यूटीज निभा नहीं पाए, पैसे और शोहरत की लालच में उन्होंने मुझे खिलौना बनाया। फिर उसके बाद मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा एंड हिज फैमिली, जब दबंग मुझे ऑफर की गई और मैंने मना कर दिया, सोनाक्षी सिन्हा को कैसे उसमें मेनली ले लिया गया? इसमें सिन्हास का हाथ है कि नहीं? पीछा मेरा कौन करवाता था कि मैं किससे मिल रही हूं? स्पॉन्सर्स मेरे कौन चुरवाता था? जो भी करवाता था यही लोग थे।
फिर उसके बाद एक ये नारंग परिवार भी इसमें इन्वॉल्व है, जो पता नहीं मैं उन्हें जान ना पहचान एक दो पार्टीज में मिली, वो लोग इतना मुझसे जलते हैं, मेरा इतने एंटा है, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम, दे रियली नीड अ श्रिंक एंड नीड टू गेट देयर मेंटल हेड चेक्ड अप. एक वो भी फैमिली इन्वॉल्व है और एक क्लियर कट सलमान खान की भी फैमिली इन्वॉल्व है. चार फैमिली लगी पूजा मिश्रा को इतने सालों तक स्ट्रैंड करने के लिए. पर आज मेरे पिताजी भी मेरे साथ नहीं है, उन्हें भी मार दिया गया, पर अब मैं नहीं सह पाऊंगी क्योंकि अब मुझे डर नाम की चीज बची नहीं है. आई एम नॉट स्केर्ड, आई डोंट हैव एनी फियर लेफ्ट. किस चीज का डरू? कोई तरीका बचा है? जिस तरीके से आपने मुझे ऑलरेडी एक्सप्लॉइट नहीं कर रखा तो मैं डरू किस चीज का? मेरे को तो अब मौत का भी डर नहीं है. मैं इस मुकाम पे खड़ी हूं अपनी जिंदगी में. आई एम एन अनमैरिड गर्ल, आई वॉज एक्सट्रीमली अटैच्ड टू माई फादर. यू किल्ड हिम, दे किल्ड माई फादर बिकॉज मिस्टर वी एन दूत ओज हिम क्रॉस, और वो क्रॉस सिन्हाज खान्स एंड नारंग्स खुद हथियाने के लिए उन्होंने मेरे पापा को मार डाला. जी हाँ, जी हाँ, सलमान खान की फैमिली से उनके ब्रदर्स, उनके पेरेंट्स, उनके फादर शायद, काफी हद तक इन लोगों ने मिलके मुझे बहुत बुली किया. हाँ, नहीं शायद नहीं, आई एम प्रीटी कंफर्म्ड अबाउट इट. उनके एक्शन से आपको नजर नहीं आता? अब एक और बात, बिग बॉस के सेट पे मेरा रेप हुआ, ये बात शायद आप सबको पता होगी. व्हाट वाज दैट? आई एम द डॉटर ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स. आई कम फ्रॉम एन एजुकेटेड रिस्पेक्टफुल फैमिली. आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गर्ल. आई एम अ वर्कहोलिक. मेरे को अपने काम के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता. आप मेरे को अपने रियलिटी शो पे बुला रहे हैं एज अ गेस्ट, एज अ पार्टिसिपेंट. आप मेरे को कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिख के मुझे साइन कराया कि आप मेरा वहां रेप करने वाले हो, मैं चुप बैठूंगी? व्हाट वाज दैट? आई वाज रेप्ड ऑन द सेट्स ऑफ बिग बॉस 5 एंड आफ्टर दैट दे बैन मी फ्रॉम द शो. व्हाई? व्हेन आई एम अ पॉपुलर कंटेस्टेंट, पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, पीपल फ्रॉम बेल्जियम, पीपल फ्रॉम मलेशिया, पीपल फ्रॉम मॉरिशियस कीप मैसेजिंग मी ऑन सोशल मीडिया, हम आपको बिग बॉस पे वापस देखना चाहते हैं. मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता वापस बिग बॉस पे? ये किसकी हायरार्की है, किसकी मोनोपोली है जिसके अंदर मुझे दब के जीना पड़ रहा है? क्योंकि आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई है दैट वी हैव टू ब्रेक द हायरार्की. द रिच विल कीप गेटिंग रिचर, द पुअर विल कीप गेटिंग पुअर. अगर ऐसे ही हालात बने रहे, well actually I was drugged and made unconscious and this was done on to me. Well I have given wild guesses, right? Jo bhi us samay us ghar mein ladke the, maine unke naam liye hain, right? I've taken their names. I can only guess. I was not in a conscious state of mind when I was molested inside Big Boss's house and within 3 days time unceremoniously chucked out at 2:00 at night. अब आप बताइए, पहले आप किसी की इज्जत लूट रहे, फिर आप उसे जलील करके घर से निकाल रहे, फिर आप उसे पूरी तरह से बैन कर रहे. जब मैं मिडडे के ऑफिस में बैठी हुई थी, मैंने उन्हें बोला, मैंने प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, वांट टू प्लेस एन ऐड, तो कहते हैं मैम हम आपका ऐड प्लेस कर देंगे पर अगर कल कलर्स का फोन आया और उन्होंने आपसे बड़ा ऐड बुक कर लिया तो शायद हम आपका ऐड प्लेस नहीं कर पाए. तो कलर्स के साथ मिलके भी मुझे बुली किया गया. अब आप बोलिए, ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, ये अपना ग्रुप बढ़ाते गए और मुझे दबाते गए. आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आई नो एवरी डे मुझे कैसे हैरिस किया जाता है. बाइकर्स कीप ऑन फॉलोइंग मी एवरीवेयर आई गो. दिल्ली में मैं शूट कर रही थी अपने पहले टीवी शो का फ्रॉम माई प्रोडक्शन कंपनी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वहाँ पर होटल रूम में घुस के मेरे कपड़े चुराना, मुझे रेप करना, मेरे पानी में ड्रग मिला के मेरा फायदा उठाना. What is all this, yeah? And for how long do you expect me to live under this constant fear and state of panic? Are you in process to file a FIR against anything? I have already filed 8 high court cases, okay? There are 8 high court cases and I'll tell you exactly what are they all about. There's one for hacking my phone, hacking my emails. जब से मैं वीडियोकॉन के गेस्ट हाउस में रहने लगी तब से मेरी ईमेल्स ऐसी हैक हुई हैं कि आज तक वो हैक होती रहती हैं. सारे मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स, मेरे फोटोशूट के लुक्स तुरंत, अब दो दिन में, पहले तो सोनाक्षी पहन के आ जाती थी पर आजकल वो लोग चौकन्ने हो गए हैं कि मेरी नज़र है उन पे मुझे एप करने के
और मुझे प्लेजराइज करने की, तो दूसरी दूसरी हीरोइनों को वो कपड़े पहना के ये लोग छपवाते हैं. आई डोंट हैव एनीथिंग कॉल्ड एज प्राइवेसी. आई एम अ टॉय इन द हैंड्स एंड आई रिफ्यूज टू बी दैट एनी मोर. यू नो, आज मेरी भी एंगेजमेंट हो जाती, मेरी भी शादी हो जाती, आई वुड ऑल्सो बी स्टेबल यू नो इन माई लाइफ. इन लोग ने ये भी नहीं होने दिया, क्योंकि अगर मैं स्टेबल हो जाऊंगी, इफ आई गेट मैरिड आई हैव अ मैन इन माई लाइफ एंड ही विल वॉट दिस पीपल अवे. वो इन लोगों को हटा देगा, मुझे जिता देगा, उसने मुझे अकेला रखा गया जिससे मुझ पर करोड़ों कमाए जाए. ये लोग जानते हैं मैं हार नहीं मानूंगी, मैं मेहनत करती जाऊंगी. मैं मेहनत करती गई और ये लोग अमीर बनते गए, मेरे आइडियाज चुरा चुरा के, मेरा काम चुरा चुरा के. ओके, इन दिल्ली तो मैं अपना टीवी शो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, शूट करने के लिए गई थी. वहां पर जबरदस्ती दो वायरल वीडियोज में मुझे फ्रेम किया गया, एक होटल बीटिंग स्टाफ और एक करोल बाग के 24/7. इस डर में कि ये टीवी शो बना रही है, इसे एक बड़ा चैनल मिल जाएगा एयर करने के लिए, तो इसे जल्दी से बदनाम करो. और उन वायरल वीडियो से 15 करोड़ रुपए कमाए गए हैं. यस, दे हैव अर्न 15 crores आउट ऑफ डीफेमिंग मी. तो आप समझ सकते हैं ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं. दे थिंक दे आर गॉड बिकॉज दे मेड अ ग्रुप एंड दे बीन oppressing me, my personal life and my career for the longest time, as well as raping me, as well as trading me. Trading ke bare mein bataun aapko, Big Boss 5 ke baad jab in log ko laga ki we'll get into trouble, you know, kyunki humne jo kiya hai galat kiya hai, sex pe se rape karke ise zaleel karke humne aadhi raat ko nikal diya, to mujhe trade kar diya gaya Salman Khan ke parivar mein. Wo kaise? Mujhe Salman Khan ke sath bandh ke कि मैं सुबह दोपहर शाम सलमान खान का नाम जपती रहूं और इन लोग का काम बनता रहे, उसकी नौकरानी मुझे बनाया जाए और करोड़ों सोनाक्षी कमाए. वाह रे वाह, क्या इंसाफ है आप लोगों का. और किस तरह के जलील नाली के कीड़े हो तुम लोग कि तुम लोग ने मेरे एक टॉय बना के खिलवाड़ करके मेरा इस्तेमाल किया और आपने सोचा मैं कभी उठूंगी नहीं इस कोमा के स्टेज से, मुझे कभी पता नहीं चलेगा. वेल, मेरे कर्मा साफ हैं. मैंने अपनी जिंदगी में आई हैव नेवर हर्ट अ सिंगल सोल. आई एम एन एक्सट्रीमली हेल्पफुल पर्सन. सबके साथ प्यार से बात करती हूँ मैं, उसीलिए शायद लोग आके मुझे बता देते हैं कि किस तरह से इन लोगों ने मेरा खिलवाड़ मचा रखा है. मुझे आपको लगता नहीं आप एक अकेली सोर्स हैं जिसने ये सब आज से 8-10 साल पहले चालू किया, जिसको आज हम मीटू बोल रहे हैं. आज से 10 साल मुझे पैनिक मोड में जीने के लिए फोर्स किया जा रहा है. यू नो, पैनिक मोड, ऑलवेज स्ट्रेस्ड, ऑलवेज पैनिक्ड. फोन अपना नहीं है, घर अपना नहीं है, वहां कैमरा लगा है, लोग पीछा कर रहे हैं, हमेशा ये लगा रहता है मेरा काम चुराने, मेरे स्पॉन्सर्स चुराने पीछे पड़े रहते हैं. तो आप एक इंसान को पैनिक मोड में कितनी देर रख सकते हैं. मुझे तो 15 साल रखा गया. और कोई लड़की होती हार्ट अटैक से अभी तक मर गई होती. ओके, फ्रैक्चर्स से लेके वजाइनल इन्फेक्शंस तक मैंने अपने कार्ड से पे करके अपना इलाज कराया है, ये ना जानते हुए कि ये बीमारी मुझे दी किसने है, क्योंकि बेहोशी के हालत में ये सब मेरे साथ किया जा रहा था. ओके, लोग आके बताते हैं नहीं दिल्ली में सोहेल खान ने आपके साथ बदसलूकी की, बिग बॉस के सेट पे शायद आकाशदीप सहगल था, विंसर टावो में शायद शत्रुघ्न सिन्हा खुद थे, ऐसी ऐसी बातें, शायद वीडियोकॉन गेस्ट हाउस में वीएन धूत थे. लोग आके मुझे बताते हैं मेरे शरीर को एक खिलौने की तरह आप लोग यूज कर रहे हो, मुझे बेहोश करके. दैट टू, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे बीमारियां कौन दे रहा है और मैं गायनेक के पास जा रही हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, हैवी ड्यूटी बिल्स एंड लैक्स अपने कार्ड से देके अपना इलाज करा रही हूँ. आप लोग ने मुझे समझ क्या रखा है, मैं आप लोग की नौकरानी हूँ, मैं आप लोग की मेड हूँ, मेरा शरीर मेरा नहीं है, इसे नहलाना धुलाना कायदे से रखना, मॉइस्चराइज करना, अच्छे कपड़े पहनाना, वो सब मैं अपने पैसे से करती हूँ. आप लोग आते हो इस्तेमाल करके बेहोशी के हालत में निकल जाते हो. आप लोग ने एक ये खिलवाड़ मचा रखा है. व्हाट द हेल इज दिस, एंड दिस इज अ रजिस्टर्ड केस इन द हाई कोर्ट. 8 केसेस मैंने दर्ज किए हैं हाई कोर्ट में. फर्स्ट इज अगेंस्ट हैकिंग ऑफ माई ईमेल्स एंड माई फोन्स, जिससे इन लोगों ने अपने करोड़ों बनाए मुझे लूट लूट के. सेकंड इज फॉर गैंग रेप. एवरीवेयर आई गो, कहीं भी मैं जाती हूँ, सिंगापुर तक
मेरी बहन एक NRI है, जब मैं सिंगापुर जाती हूँ ये बाइकर्स मुझे सिंगापुर तक फॉलो करते हैं, वुड यू बिलीव इट? वहां तक मैं अपने आप को सिक्योर नहीं पाती हूँ, जहां भी जाती हूँ पीछा करते रहते हैं। देन आफ्टर दैट आई हैव लॉज्ड अनदर केस अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस कि मेरे सर पे रह के इन लोग ने मेरी हड्डियां तोड़ी, मेरे को इन्फेक्शंस दिए, मेरी ट्रेडिंग की। मैं सिंगापुर के जुरोंग बर्ड पार्क में एक ईगल को अपने हाथ पे रखा के वेकेशन पिक्चर अपने विंसर टावर के घर में अपने बेडसाइड पे रखती हूँ। द नेक्स्ट थिंग आई नो दबंग 1 के पोस्टर में सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा ईगल पकड़ के दुबई में अपनी फोटो खिंचा रहे। कितने छिछोरे हो तुम लोग, यू ऑल आर सो हॉलो, यू ऑल आर सच लो लाइव्स। मेरे को मीन्स आई डोंट इवन वांट टू टेक योर नेम, मेरे स्टैंडर्ड्स डाउन हो जाते हैं आप लोग के नाम लेते हुए, क्योंकि आप लोग मेरी भीख पे पलते हो, चाहे वो आइडियाज की भीख हो, चाहे वो मेरी मूवीज की भीख हो, चाहे मेरी बातें सुन सुन के कॉन्टैक्ट चुरा के स्पॉन्सर्स से पैसे खाने की भीख हो। आपने करोड़ों बनाए मेरी वजह से और आज आपकी जुबान पे मेरा नाम तक नहीं आता। वाह रे वाह भगवान, मैंने अनग्रेटफुल रेचेस देखे थे, पर आप जैसे अनग्रेटफुल रेचेस तो जिंदगी में भगवान करे फिर कभी पैदा ना हो। यू ऑल आर सच अ बिग कर्स, आई वुडंट इवन विश माय एनिमी ऑन वुड बी पुट थ्रू सच सर्कमस्टेंसेस एंड सच कर्सेस। मैंने सबके नाम दिए हैं उसमें, ये चारों परिवार जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए मैंने चारों के नाम दिए, क्योंकि चारों पार्टी को पता है हो क्या रहा था एग्जैक्टली। मुझे अकेला देख के अपने से ज्यादा स्टाइलिश, आई वाज अ साउथ मुंबईट, आई गॉन टू कैथीड्रल एंड जॉन कैनन, आई लिव्ड इन पेडर रोड, ब्रीच कैंडी एंड मलाबार हिल्स ऑल माई लाइफ। मैं बैंड्रा जैसे सबर्ब में आई, यहाँ मेरे कोई दोस्त नहीं थे, इन लोग ने देखा स्टाइलिश मॉडर्न, इंग्लैंड से अपना जूनियर स्कूल करके आई है, दबोच लो, इसकी स्टाइल कॉपी करो, इसकी पिक्चरें चुराओ, इसमें करोड़ों बनाओ और सेक्सुअली भी इसे छोड़ना मत, रेप करके फेंक देना पहले ही साल में जब अकेले रहती है। दिस इज व्हाट दे हैव डन टू मी, दिस इज हाउ मॉन्स्ट्रस अ बॉलीवुड इंडस्ट्री एक्चुअली इज। एंड यस मी टू, बट इट्स टू लेट, 10 years ऑफ पैनिक, 10 years ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन एवरी पॉसिबल मैनर, 10 years ऑफ टॉइंग अराउंड विथ मी। आप लोग ने खिलौना बना रखा है मुझे, मैं यहाँ आपको सिर्फ इंस्पिरेशन देने के लिए अपने, मैं आज एक ऐसे मुकाम पे खड़ी हूँ, आई एम लिविंग ऑन अ लोन, आई सोल्ड माई फादर्स ज्वेलरी, मेरे को पूरी तरह से निचोड़ के हर फायदा निकाल के इन लोग ने पुणे में फेंक रखा है मरने के लिए। मैं अपने घर में बॉम्बे में नहीं रह सकती, क्यों क्यों नहीं रह सकती, मेरा हक है वो, आई ओन दैट फ्लैट, माई फैमिली ओन्स दैट फ्लैट। वहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पैसे देके मेरे को वहां से डिसमिस करा रखा है, क्यों भाई, मैंने तो एक पार्टी भी नहीं रखी, आई हैवन इनवाइटेड अ सिंगल सोल इन दैट हाउस, व्हाई यू डूइंग दिस टू मी? क्योंकि अगर पूजा मिश्रा बॉम्बे में रहेगी वो पिक्चर्स साइन करेगी। यू सी, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है कि यहाँ पर सोनाक्षी सिन्हा, सलमान खान और पूजा मिश्रा को एग्जिस्ट कर सके, दिस इज द ट्रूथ। Is that all? Or we can continue upstairs with one-on-ones. You know, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे मसल पुल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, मेरे बाल गिरने लगते हैं, इतना पैनिक मोड में मुझे रखा जाता है। घर से निकलते समय मेरे पास गाड़ी है, ड्राइवर नहीं आएगा शूट के दिन, जानबूझ के रिक्शे में चलो, जानबूझ के नौकरानी, और डोंट लिव लाइक दिस, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बस एक पिताजी जो चले गए, आई एम वेरी हार्ट ब्रोकन, बट आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार इन पुणे, आई हैव अ मदर, आई हैव अ ब्रदर, कोई मेरे साथ नहीं है, सबको इन लोग ने कब्जा कर रखा है काले जादू से, सबके दिमाग पे, कोई मेरा साथ नहीं निभाता है, और उसमें भी मैं मेहनत करती रहती हूँ, मैं लड़ती रहती हूँ थ्रू माई हार्डवर्क। आपने देखा होगा आई डोंट कम इन द मीडिया, मैं मीडिया से बात करना ही बंद कर दिया है मैंने, बिकॉज आई नो आई एम ऑलवेज मिस इंटरप्रिटेड। फिर अपने आप को बचाने के लिए शी स्किज़ोफ्रेनिक, मैंने अभी एक साइकोसोमेट्री टेस्ट कराया है, आपको रिपोर्ट देखनी है, आई एम टोटली नॉर्मल। आपने कितना ट्राई किया मुझे ड्रग करके, मुझ पर काला जादू करके, मुझ पर हिप्नोसिस करके, मेरी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने के लिए, सॉरी आई एम स्टिल नॉर्मल एंड स्टिल फाइटिंग।
Shall we go up? We'll do one on one. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट।